खबर भाटापारा से है, जो नगर पालिका परिसर में एक स्वीपर ने फांसी लगा ली है। स्वीपरों का आरोप है कि कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो परेशान थे। नगर पालिका के जवाबदार अधिकारी जनप्रतिनिधि नदारद मिले हैं। स्वीपरों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। भाटापारा की नगर पालिका में कार्यरत नियमित स्वीपर कर्मचारी गणपत ने नगर पालिका के ऊपर भवन में छज्जे से निकले हुए छड़ से सूतली रस्से से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मौके पर घटना के समय पालिका में कर्मचारी और सीएमओ मौजूद नहीं थे। वहीं गणपत की फांसी लगाने से भाटापारा नगर पालिका स्वीपर कर्मचारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। स्वीपर कर्मचारी और मृतक गणपत के परिजनों का आरोप है कि पालिका के द्वारा से स्वीपर को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों से गणपत को वेतन प्राप्त नहीं हुआ है और भत्ता एरियस जैसे कई समस्याएं हैं जो नहीं मिलने से स्वीपर कर्मचारियों को अपना परिवार चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं से ग्रस्त गणपत को फांसी लटक कर अपनी जान देनी पड़ी है। वहीं सीएमओ का कहना है कि इन्होंने फांसी क्यों लगाई इसकी जानकारी नहीं है। वहीं अगर वेतन की बात करें तो कल यह कर्मचारी मेरे पास आया था और मैंने इन्हें समस्या बताने पर 1 महीने का वेतन दिया है। गणपत की फांसी लगाने से भाटापारा में सनसनी फैल गई है और लोग पालिका के अव्यवस्थाओं के प्रति बोलने लगे हैं। और घटना के बाद शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। विवेचना जारी है। शहर थाना अंतर्गत का मामला है। एक कर्मचारी जहाँ काम करता है वहाँ वो आत्महत्या को बाध्य हो जाए। इस पूरे घटनाक्रम के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी है उस दोषी के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, नगर पालिका में अव्यवस्था का आलम है। चुने हुए जनप्रतिनिधि किनारे हैं और जो जनप्रतिनिधि नहीं है वो शासन चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके चलते यहाँ विवाद की स्थिति बनती है। सीएमओ को निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए और सीएमओ अगर नहीं सुधरेगा तो उसको सुधारने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी अच्छे ढंग से करेगी। ये पालिका में अभी कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन ये दिखाई दिया कि अभी पूरा व्यवस्था बना के आप दिए कि जिसको जो मिलाना था उसका काम। भाई देखिए, ऐसा है, मैं कभी भी किसी की मृत्यु पर राजनीति करने का पंखर नहीं हूँ। गणपत जिसने आत्महत्या की है मेरे नजदीकी लोगों में रहा है, वो मेरा इतना बड़ा समर्थक रहा है कि उसने अपने हाथ में गोदने से मेरा नाम गुदवा रखा था। तो पहले उसका अंतिम संस्कार हो जाए, उसके परिवार को न्याय मिले, ये मेरी नैतिक जवाबदारी है, उसके लिए मैं काम करूंगा। सीएमओ के ऊपर आए दिन भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का आरोप लगते रहता है। आज हमने किसान के मुद्दे पर प्रदर्शन किया है, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके नगर पालिका की भी चर्चा करके निकट भविष्य में नगर पालिका के खिलाफ भी मोर्चा खोल सकती है।